लगा कि उनकी शादी नहीं होगी। अरे जीजा बोलने में क्या जा रहा है यार, साले तो हम दिन रात गाली जा रहे हैं, किसी को भी साला बोल के निकल जाते हैं हम। बतवाना देखो, मैं ये कहता हूँ कि छुप कली के बच्चे मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो तो सबका बाप है, 78% वोट पड़े हैं। डाइवर्ट कर रहे हो टॉपिक को। मैं जिस टॉपिक पे मैं टॉपिक पे खेल रहा हूँ, मैं सच्चाई हूँ। आप अच्छा, हम भी सच्चाई हैं भैया, हमें एक बार पूरा बोलने दो, फिर आप बोलना। जिन्हें उन्हें बोला ठग, तो अब जिन्होंने इन्हें ठग बोला उन्हें ठिकाने लगाएंगे हिंदूवादी। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं योगी जी और राहुल गांधी के बीच मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी नहीं, मैं आपकी बात पे मैं ये चुनाव जो होगा मोदी जी के ऊपर होगा और मोदी जी जीतेंगे जी। और मोदी जी के जीतने के बाद एक या दो साल बाद योगी जी आएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे जी। आपकी पार्टी जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में किसकी चलती है, किसकी चलती है, किसकी चलती है, आप बताइए ना। राहुल गांधी से किसकी चलती है, बताइए पार्टी में। देखिए जी, अब मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच में राहुल कहाँ से आ रहा है, इसको इसका नाम ही मत लो, ए साइलेंट मोड में रख दो मोबाइल को कि हम मोहब्बत के बाजार खोल रहा हूँ। अरे मूर्ख, मोहब्बत कहाँ, तेरा तेरा बाप कहाँ गया था, तेरा दादा कहाँ गया था, मोहब्बत कहाँ से नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, 370 तुमने क्यों ऐसा करके ऐसा गुलामी करा दिया था, आज के डेट में राहुल गांधी वहाँ झंडा कैसे फहरा दिया, फहराने के लिए उसको सोचना था कि नहीं। अभी मोदी सरकार ने जो जो काम किए हैं इसका गिनाने में, इनका गिनाने में कोई भी माइके लाल टकराएगा नहीं। क्या छबी बदर दी, वो भूत बोल रहा है, वो प्रेत बोल रहा है, वो मर गया। एक बात बताओ, हिंदुस्तान में हम भी हैं आप भी हैं, अगर हम घर के बोल दें कि मैं मर गया, मैं नया बन गया आया, अरे बुद्धि विचार तो तेरा वही है, आँखवा तो वही है, आँख मतलब समझते हैं ना, ये आँख तो कहने का मतलब वो इतना बड़ा मूर्ख। नफरत की दुकान में मैं, उनका वोट बैंक खत्म हो गया। आज की डेट में मुस्लिम जो आबादी है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मोदी पे इतना विश्वास है। आपको बताऊं, देवबंद जगह पड़ती है सहारनपुर के अंदर, जहाँ पे 90% जो मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ से सदाना जगह सीट पड़ती है, वहाँ से संगी सोम जीता, जो बीजेपी का सांसद था वो जीता। अगर वहाँ पे अगर उसको वहाँ पे मुस्लिम के खिलाफ होती बीजेपी, तो वो वहाँ से संगी सोम नहीं जीतता। किस बात से आप सहमत हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं रामेश्वर आर्या, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, और जब से वोट देने लगा हूँ मैं कमल को ही वोट दे रहा हूँ, बीजेपी को ही वोट दे रहा हूँ। और आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, मैं कहता हूँ विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है। अगर बीजेपी के कुछ स्टेट हैं कांग्रेस से कंपैरिजन कर लिया जाए, तो कांग्रेस के राज्य जैसे राजस्थान में 106 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है, उसके मुकाबले 96 तो दिल्ली में ही मिल रहा है, 98 मिल रहा होगा, तो दिल्ली से भी मतलब केजरीवाल से भी मार खा रहे हैं वो राज्य। आप सोचोगे तो यहाँ तो और सस्ता मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। केजरीवाल को बढ़िया बता रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बढ़िया नहीं बता रहा, मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ कि ये तो कांग्रेस तो केजरीवाल से भी हार गई है। अगर केजरीवाल के सहयोगी उनके साथ नहीं छोड़ते ना, तो केजरीवाल आज 5 राज्यों पर कब्जा कर चुका होता। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ है, नितिन गडकरी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, ऐसे ऐसे परिपक्व नेता है, और पूरे विपक्ष के पास ऐसा कोई नेता नहीं है। नितिन गडकरी जैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने नहीं बनवाया अभी तक। बीजेपी में एक तमाम जो उच्च नेता में जिनका नाम आता है नितिन गडकरी, जिनको विकास पे सबसे ज्यादा विकास पुरुष कहा जाता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद है, विकल्प है वो, मैं विकल्प की बात कर रहा हूँ, योगी जी, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, ये विकल्प है। राहुल गांधी के पास क्या है, वो सांसद ही थे, और जहाँ से वो पुश्तैनी सीट से सांसद थे, गुलाम मानसिकता के लोग उन्हें वोट देते थे, और राहुल गांधी को हरा के लात मार के केरला भेज दिया, वायनाड जी। क्या राहुल गांधी कभी कोई मंत्री बने, क्या कभी मुख्यमंत्री बने? मोदी जी की जीत का कारण क्या है, 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे, वाइब्रेंट गुजरात किया, इन्वेस्टमेंट लाए, और आज अमेरिका जिसने साजिश के तहत, कांग्रेस वालों ने साजिश करके लेटर लिखा था, भैया ये मौत का सौदागर है, 2002 दंगे कराए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है, अब वही अमेरिका मोदी जी को पिज़्ज़ा खिला के जीजा जी आपका स्वागत है ऐसा करके बुलाता है जी। और वीज़ा भी देता है, और भारतीयों को भी वीज़ा देता है जी। बात यहाँ ये आती है, क्या अमेरिका अपना जीजा मानता है आजकल मोदी को, किसको
मोदी को, और पिज्जा भी खिलाता है, वीजा भी देता है। तो वो हमें तो पता लगा कि उनकी शादी नहीं होगी। अरे वीजा बोलने में क्या जा रहा है यार, साले तो हम दिन रात गाली जा रहे हैं, किसी को भी साला बोल के निकल जाते हैं। देखो मैं ये कहता हूँ कि छुप कली के बच्चे मगर मत नहीं बन सकते, वो तो सबका बाप है। 78% वोट पड़े हैं, किसको से आ गया मोदी? मैं यार कैमरे में नहीं आना चाहता, लोगों में चाबी लग जाती है, देना है तो ध्यान पूरा दो, अधूरा मत दो। अच्छा मगरमच्छ नहीं है वो, मगरमच्छ से भी बाप है, वो व्हेल मछली है, वो व्हेल मछली है। आपको भी लगेगी जी, बोलिए सर। लगेगी नहीं लगेगी बताइए तो, लगेगी नहीं लगेगी? बाप है मोदी। हेलो एक मिनट, जो बिडेन से ज्यादा वोट मिला अभी, मोदी मेरा मामू है, मैं अपने मामू की बेइज्जती नहीं सुन सकता। मेरा मामा है, मेरी शादी नहीं हुई, मामा तो है ना, और मेरी माँ कहती है मेरा भाई है। शादी का क्या मतलब, शादी तो मेरी भी नहीं हुई। ठीक है, मेरा मामा मेरी माँ कहती थी। अभी टॉपिक क्या चल रहा था यहाँ पे आपको पता है? आप डाइवर्ट कर रहे हो टॉपिक को। मैं जिस टॉपिक पे, मैं टॉपिक पे खेल रहा हूँ, मैं सच्चाई हूँ। आप अच्छा, हम भी सच्चाई हैं भैया, हमें एक बार पूरा बोलने दो, फिर आप बोलना। वो ले रहे हैं ना, उनको दिक्कत नहीं हो रही, आपको दिक्कत हो रही है, बुरा मानो। मैं यही कह रहा हूँ कि मोदी जी की एक्सेप्टेंस बहुत है आज पूरे वर्ल्ड में। यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, कोई भी टर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया वहाँ मदद करने नहीं पहुँचे। सबसे पहले C-17 मोदी जी का ही गया, 250 से ज़्यादा जो उसमें सेना के लोग थे, NDRF के लोग थे और डॉक्टर्स थे, वो मदद करने पहुँचे, कुछ मीडिया कर्मी भी। उनके 8 पॉइंट हैं। उसने जब हमारे यहाँ केदारनाथ में आपदा आई थी तो उनके एक मंत्री ने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि भैया एक मिनट चुप हो जाओगे आप, कि यहाँ पे आपदा आई है, भगवान कुछ नहीं कर सका, उनका शिव कुछ नहीं कर सका। अब हमने कोई टिप्पणी नहीं करी, हम मदद के लिए पहुँच गए। कुछ लोग हमें ज्ञान देते हैं, मानवता की बात नहीं करते। भाई हिंदुस्तान और सनातन धर्म से बड़ी मानवता क्या है? श्रीलंका में आपदा आई, सिविल वार की स्थिति आई, मोदी ने 1,00,000 करोड़ रुपये की मदद करी, क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने मोबाइल बांटे, फ्री के चंदन बांटे और वो बर्बाद हो गए। उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया था सर। आज हमारे बजट में से 200 करोड़ एक आतंकी मुल्क है तालिबान, अफगानिस्तान, तालिबान को 200 करोड़ भेजे सिर्फ वहाँ के लोगों को खाने पीने के लिए, 5500 करोड़ का अनाज भेजा। अभी बजट में से ही भूटान को 2400 करोड़ भेजे, बांग्लादेश और भी ऐसी कंट्रीज है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इन सबको मदद कर रहे हैं मोदी। ये बात भूकंप की त्रासदी, क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? राहुल गांधी चीन की दलाली खाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में 80 करोड़ रुपए लेते हुए पकड़े गए, FCRA ने बैन लगा दिया है राजीव गांधी फाउंडेशन पे कि कोई विदेशी फंडिंग नहीं आएगी। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो बेल पे घूम रहे हैं, क्या मोदी बेल पे घूम रहे हैं? पटियाला हाउस कोर्ट ने बेल पे छोड़ रखा राहुल गांधी को, सोनिया गांधी भी नेशनल लेवल केस में बेल पे है, मोदी जी खुद कहते हैं बेलगाड़ी पे बैठे हैं। ईडी ने इन्हें एक कर दिया है, जितने भी गठबंधन ठगबंधन के लोग हैं। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये सारे के सारे अपराधी प्रवृत्ति के, चाहे वो शरद पवार हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, और भी जितने भी लोग इनसे जुड़ते हैं, जैसे टीएसआर जो पार्टी है शायद तेलंगाना की, वो भी DMK भी। तो मोदी का विकल्प नहीं है, योगी का विकल्प ये नीट एंड क्लीन लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, 18-18 घंटे ये देश को देते हैं, भारत माता को देते हैं, महादेव के उपासक है ये। इनके आने के बाद महादेव कॉरिडोर बना, महाकाल लोक बना, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और राहुल गांधी के रहते, सोनिया गांधी के रहते, हिंदू विरोधी कॉमनल वायलेंस बिल आया था, हिंदू विरोधी सारे कृत्य होते थे 2007 में। भगवान राम काल्पनिक है, सोनिया गांधी ने एफिडेविट करवाया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो बावरी मुद्दा है उसमें सोनिया कांग्रेस पार्टी के ही वकील थे, कपिल सिब्बल खड़े हुए थे। राम, भगवान राम की प्रेम की निशानी राम सेतु, राम सेतु पे प्रश्न चिन्ह लगाए थे एडम ब्रिज पे, उसे तुड़वाने की बात सोनिया गांधी की तरफ से हुई थी। तो ये साजिशकर्ता लोग हैं। अब हिंदू जाग चुका है, इनको डिनाई कर चुका है, ये अपने सारे राज्य खो चुके हैं। चलिए मेरे एक सवाल ये होगा कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम एक तरफ रखें, साइड रखें, तो अगर ये चुनाव CM योगी बनाम राहुल गांधी हो प्रधानमंत्री के पद पे, तो आपको क्या लगता है CM योगी
मतलब अभी तो क्षेत्रीय दल के नेता हैं, मतलब एक राज्य के हैं, तो क्या वो बराबरी टक्कर होगी राहुल गांधी और शिवसेना? बराबर नहीं होगी सर, आगे निकलेंगे योगी, आगे निकलेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ जी के दम पे चुनाव हो जाए ना आज, तो वन साइडेड जीतेंगे वो, उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं, अपने दम पे चुनाव जीते हैं आज तक, भगवादारी हैं, हिंदुओं के सबसे बड़े नेता हैं और भारत को सनातन राष्ट्र घोषित किया उन्होंने, भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, ये योगी जी ने अभी जी। आपकी पार्टी जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में किसकी चलती है, किसकी चलती है, किसकी चलती है आप बताइए ना, राहुल गांधी से किसकी चलती है बताइए पार्टी में? सारे हिंदूवादी, सारे साधु संत अब सड़क पे हैं, सारे राष्ट्रवादी अब सड़क पे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत करने का संकल्प ले चुके हैं और 2024 में देखना 400 से ज़्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी और अगर योगी जी के नाम पे चुनाव हो गया तो क्या पता 450 जीत जाए, मतलब मोदी जी से भी बड़ा चेहरा बनने वाले आने वाले समय में योगी जी आने वाले टाइम में। अरे भैया आप सोचो ना, मोदी जी के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं वो, मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात है, योगी जी ने यूपी सबमिट कर दिया, इन्वेस्टर समिट में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 75,000 करोड़ मुकेश अंबानी ने दिए, 15,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, मानते हो ना, ये तो योगी का ही करिश्मा है ना। 5 लाख ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात मोदी जी ने करी, 29 राज्यों में से योगी आदित्यनाथ ने कमिटेड कहा है कि मैं 1 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन दूंगा अपने राज्य से, 82 लाख करोड़ रुपये होता है सर, आप सोच के देखो, एक सन्यासी का संकल्प, क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी में जो अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि पिछली बार भी इन्वेस्टर समिट हुई थी जिसका ग्राउंड पे उतना कुछ काम देखने को नहीं मिला, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? फिर विपक्ष वाले हार क्यों जाते हैं सर? 2022 में चुनाव भी तो हुए, आज 2023 में आप खड़े हो, 2022 में आ रहे, अपने बाप के दम पे सैफई महोत्सव मनाने वाले, सरकारी पैसा लुटाने वाले, 2012 में मुख्यमंत्री बनने वाले यही टोंटी चोर अखिलेश यादव, क्या ये बताएंगे? अपने बाप के दम पे तो जीत गए थे जब तुम्हारे साथ सहारा श्री सुब्रतो राय थे, तुम्हारे साथ थे अमिताभ बच्चन, तुम्हारे साथ थे अमर सिंह, तुम्हारे पिताजी के साथ थे, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे शिवपाल चाचा भी थे उस समय, जीत गए। अब इन सबसे सब दूर हो गए हैं, आजम खान जेल में है, सारे बड़े बड़े नेता इनके जिनके दम पे फूलते थे, जो माफिया थे गुंडे सब जेल में है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अब्बास अंसारी हो। आगे की बात करता हूँ, 2014 लोकसभा अखिलेश यादव हारे, 2017 भैया दो युवा खड़े हुए थे ना, दो युवा चुनाव लड़े थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हारे, बुआ और बबुआ कबुआ 2019 हारे, 2022 में भी खड़े हुए, फुल समीकरण बैठा है, हारे, चार चुनाव हार गए, गाल बजाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो, वापसी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, विपक्ष में कोई नेता है ही नहीं मोदी और योगी के मुकाबले, कोई नेता नहीं है आपको ऐसा लगता है? चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जो विपक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी है उसके दम पर ही जो भाजपा है वो सत्ता में वापसी करती है, तो आपको क्या लगता है भाजपा के अलावा और कोई नेता नहीं है मोदी जी के अलावा? अगर 2024 का चुनाव सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी हो प्रधानमंत्री चेहरे के लिए, मोदी जी को साइड रखे, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय कद के नेता हैं और सीएम योगी अभी एक राज्य के नेता हैं? देखो, योगी जी का एक ऐसा चरित्र रहा है, एक ऐसा उनकी छवि रही है जो एकदम शुद्ध गंगा जल के तरह, शुद्ध पवित्र है वो एकदम। उन्होंने हिंदू समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी, सिख समाज के लिए भी, जैन समाज के लिए भी, बौद्ध समाज के लिए भी इक्वल काम करा है। और यही बात हमारे मोदी जी लाल किले पे हर साल जब आते हैं तो 125 करोड़ के लोगों की बात करते, ये नहीं करते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ऐसा नहीं करते वो। मैं आपको बराबरी का काम किया, कोई भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं मोदी जी। और उसमें सुनो, सवाल उठाती है कि ये जाति धर्म देखकर, धर्म देखकर खासकर ये योगी जी हैं जो एक धर्म का खासकर समर्थन करते हैं, मेरी बात से आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको समझ गया, मैं आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम समाज को साइड करके हिंदू समाज की बात करते हैं, देखो कितने नारे लग रहे हैं जी, देखो नारे लग रहे हैं ना। मेरा यही कहना है कि इस देश को ना अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाया है, इस देश को विश्वगुरु की तरफ बढ़ाया है मोदी जी ने। आप बताओ, आज आपके ही परिवार के कोई यहाँ पर एक से एक बंदे आते हैं यहाँ पर, किसी से ही पूछो भाई आप विदेशों में जा रहे हो तो कैसे आपको प्राउड फील हो रहा है? लोग पहले बोलते थे कौन, इंडियन, आज नहीं कहाँ से, भारतीय, गौरव ऐसा फील करते, भारतीय लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं गाड़ियों में, जहाँ पर हमारे गुरुओं को, महाराजों को भगवा कपड़ा देख करके,
सीटों से खड़ा करा जाता था, आज भी सोशल मीडिया पे ऐसे हजारों वीडियो वायरल है। आज वो कपड़ा देख करके बदलाव का कारण है कि कांग्रेस ने हमारे देश के अंदर केवल ऑफ केवल सनातन ही धर्म को टारगेट करा है और सनातन की जो संस्कृति थी उसको मिटाने की कोशिश करी है, उनकी छवियों को आगे आने नहीं दिया है। इन्होंने हमें बताया अकबर महान, हुमायूं महान, औरंगजेब महान, ये लुटेरे, डकैत, चोर एक नंबर के जो बाहर से आए थे, जो देश को लूट लूट करके ले गए, हमारी बहनों को तस्करी करी है इन्होंने, हमारे हमारी संस्कृति को इन्होंने बिल्कुल छद छद कर दिया बिल्कुल ही। आप बताओ इन्होंने क्या नहीं करा हमारी बहनों की, जो केरल से, आज भी वो पता है कि जो मुगले आए थे केरल से, आज भी 7328 हमारी बहनों को ले जाकर के उन्होंने तस्करी कर दी थी वहाँ पर, आज भी है। थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि 2024 में योगी वर्सेस राहुल गांधी होता है तो आपको क्या, आपके हिसाब से क्या, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मैं योगी जी और राहुल गांधी के बीच मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी नहीं, मैं आपकी बात में, मैं ये चुनाव जो होगा मोदी जी के ऊपर होगा और मोदी जी जीतेंगे और मोदी जी के जीतने के बाद एक या दो साल बाद योगी जी आएंगे बिल्कुल बन जाएंगे जी। आपकी पार्टी जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में किसकी चलती है, किसकी चलती है आप बताइए ना, राहुल गांधी से किसकी चलती है बताइए, पार्टी में बताइए आप, बड़े बड़े नेता देख लीजिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्यों आए बीजेपी में, क्यों नहीं दिया उनको मौका, इतने साल से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनके पिताजी ने भी सेवा की पार्टी की, क्यों नहीं बनाया उनको मुख्यमंत्री? आप देख लो राहुल को, उसको देख लो क्या बोलते हैं राजस्थान में जो करे सचिन पायलट, क्यों नहीं बनाया उनको, क्यों नहीं बनाया भाई? आप अपनी गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते हो, यहाँ तो हर किसी को मौका मिल रहा है, किसको नहीं मौका मिले बताइए? जेपी नड्डा सोचा था कभी देश का वो पार्टी अध्यक्ष बनेगा, बनेगा सोचा था क्या कभी आपने बताइए? योगी कभी सोचा था क्या सीएम बनेगा? हैं, किसको भी बताए, किसी को आपने अनएक्सेप्टेड चीज़ें होती हैं, किसमें होती है? सिर्फ बीजेपी में ही होती हैं, हर किसी पार्टी में नहीं होती हैं। हर पार्टी परिवारवाद की राजनीति खेलती है, ये बताइए कौन सी पार्टी है जो परिवारवाद के, बीजेपी में नहीं आपको लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं, परिवारवाद बताइए कहाँ पे है। चलिए तो 2024 का चुनाव यदि प्रधानमंत्री मोदी को अगर हम साइड रखें, योगी वर्सेस चेहरा, योगी वर्सेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, तो देखिए मैं बताऊं, मैं पहली बात तो देखिए क्या है, अभी 2024 में सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है? आपको एक आप सुनिए, योगी यार आते हैं तो सीधी बात है बीजेपी ही जीतेगी, उसमें योगी ही जीतेंगे क्योंकि मोदी जी का बैक सपोर्ट है पूरा, ऐसा है। राहुल गांधी जो है वो राज्य स्तर के नेता है, आप ही बताइए, योगी जी जो है वो एक सूबे के मुख्यमंत्री, तो आपको नहीं लगता आज एक सूबे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आपने यूपी का विकास देखा है? कहाँ पर यूपी की हालत क्या थी, आज यूपी की हालत क्या है? गुंडा राजनीति खत्म हो गई है वहाँ पे। अच्छा, कोई सिंगल आई बताइए आप, एक मुझे बताइए, आप रात में भी अगर घूमते ना यूपी में, अब तो कोई खतरा नहीं है, पहले बहुत खतरा था। अच्छा, आपकी बहन भी नहीं निकल सकती थी ना, हमारी बहन निकल सकती थी, अब सबकी बहन निकल सकती है रोड में, बताइए कौन सा। आप एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली से मुंबई जाने का रास्ता है 1326 किलोमीटर, आप मात्र 12 घंटे में पहुँच रहे हैं, पहले पहुँचते थे क्या 12 घंटे में? आप कांग्रेस सरकार थी, कितना पहुँचे हैं आप ये बताइए, पहले कोई भी सरकार बताइए किसने पहुंचाया, मतलब विकास हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है, किसने नहीं किया बताइए विकास? यूपी में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, चित्रकूट से, मैं चित्रकूट का वासी हूँ, चित्रकूट से जो है दिल्ली आने का सफर मात्र 6 घंटे का बचा रह गया है, मात्र 6 घंटे का, जो कि पहले हमको लगते थे 14-14, 15-15 घंटे लगते थे। हाँ, क्या चाहिए विकास के नाम पर बताइए पहले। देखिए जी, अब मोदी सरकार और योगी सरकार के बीच में राहुल कहाँ से आ रहा है, इसको इसका नाम ही मत लो, ए साइलेंट मोड में रख दो मोबाइल को। अच्छा। ए राहुल गांधी को साइलेंट मोबाइल। हाँ। ये बेटा तू अब जा। अरे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, ऐसे कैसे साइड? राष्ट्रीय स्तर का कैसा स्तर, जिसको कुछ पता ही नहीं आता नहीं। सबसे पुरानी पार्टी। अरे सर, हम भी जानते हैं कि इसके खानदानों ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। पहले 1 लेन साइड बनती थी रोडों का, अब 6 लेन बन रहे हैं। आखिर भविष्य का अभी घर बनाते हैं कोई भी, आप ही मान लो। हाँ, चलिए, तो अपने बाल बच्चे के हिसाब से बनाओगे। हाँ। तो ये तरीके का बात होगा ना। तो कहने का मतलब ये तो गोल में घुमाते हुए कि हम मोहब्बत के बाजार खोल रहा हूँ। अरे मूर्ख, मोहब्बत कहाँ तेरा? हाँ। तेरा बाप कहाँ गया था? तेरा दादा कहाँ गया था? मोहब्बत कहाँ से नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, 370 तुमने क्यों ऐसा करके ऐसा गुलामी करा दिया था? आज के डेट में राहुल गांधी वहां झंडा कैसे फहरा दिया? फहराने के लिए उसको सोचना था कि नहीं? अभी मोदी सरकार ने जो जो काम किए हैं, इसका गिनाने में, इनका गिनाने में कोई भी माई के लाल टकराएगा नहीं। क्या कि अरे भाई वो मेरा शेर है मोदी सरकार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है। अब कहने का मतलब, अरे बिल्ली, वो तो बिल्ली और शेर वाली बात हो गई। अच्छा। गलत या सही? हिंदुस्तान की बात करते हैं हम, क्योंकि आपको बोलने ही नहीं आता।
पहली बात आपको कुछ पता तो जाता ही नहीं। राहुल गांधी को बोला नहीं आता, क्या बात करते हैं, भारत जोड़ने का मतलब, अरे छवि बदल दी, वो भूत बोल रहा है, वो प्रेत बोल रहा है, वो मर गया। एक बात बताओ, हिंदुस्तान में हम भी हैं आप भी हैं, अगर हम घर के बोल दें कि मैं मर गया, मैं नया बन गया, अरे बुद्धि विचार तो तेरा वही है, आँखवा तो वही है, आँख मतलब समझते हैं ना, ये आँख तो कहने का मतलब वो इतना बड़ा मूर्ख, अरे मूर्ख तेरे को कहाँ से, तेरे को ये तो मैं क्या क्या उसको सब, अभी अभी किसी ने बोला था कि वो बैल है, अरे बैल को, अरे नहीं 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 सुनो मेरी बात, कहने का मतलब वो बैल कैसे हो सकता है, बैल तो बहुत ही कार्यकारिणी व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति ये पशु है, पशु है, मान लिया, प्लीज डिस्टर्ब ना करें, ध्यान दें मेरी बातों को, ध्यान दें, कहने का मतलब वो बैल का उपाधि में नहीं आती, क्यों, सुअर, इसलिए बैल तो काम करता है, अब जो काम ही नहीं करता तो उसको सुअर का उपाधि देंगे हम, और काहे का काम, 3500 किलोमीटर चल के आए, और 32 नहीं 35, आप 32 बोल रहे हैं, 3500 किलोमीटर तो कहने का मतलब 3500 किलोमीटर कुत्ते की तरह दौड़ते रहो ना, अरे मैं कुत्ता भी बोलूंगा, कुछ भी बोलूं, सुअर भी बोलूं, नहीं ये बोलना पड़ेगा, नहीं गलत बात, क्यों, नहीं नहीं मैं उसको इसलिए बोल रहा हूँ कि तरीके से थोड़ा ध्यान दे दे, इतने बड़े बाप का बेटा था, चूतिया की तरह ऐसे बात कर रहा है, तब उसको थोड़ा मर्यादा, अब मर्यादा नहीं, मर्यादा उसका बाप हूँ मैं, इसलिए उसका बाप का उम्र का हूँ मैं, थोड़ा सा कम हो रहा होगा हैं, तब इसलिए मेरा बात सुनिए, कहने का मतलब ऐसे गुमराह मत करो, हिंदुस्तान में ऐसे अराजकता मत फैलाओ कि हम मोहब्बत की बाजार खोल रहे हैं, काहे का मोहब्बत की बाजार, मोहब्बत तो पहले से, अभी हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ नहीं है क्या, आप बताओ ये कौन फूट डाल रहा है, आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, हम कौन आप बताएं, आप जनता हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ पूछो सर, 2024 आइए सर, आइए चल आप ही बता दीजिए जी, सर जो विपक्ष जो दावा करती है कि मोदी जी के दम पर भाजपा सिर्फ जीतती है, एक मोदी जी ही चेहरा है, तो हम ये सवाल लेकर आए हैं आज कि अगर 2024 का चुनाव सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पद के लिए, तो आपको क्या लगता है कि किसकी जीत होगी, विपक्ष है का विपक्ष है का, विपक्ष था अगर सही काम कर रहा होता तो मोदी जी आते नहीं, हाँ। लोग उनको जो विपक्षी पार्टी थी पार्टियां थी उनको जिताते, उन्होंने देश हित में कोई काम कर रहा है नहीं, पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, नहीं कह रहा पीएम मोदी की, हाँ। मैं कह रहा हूँ सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी हो तो क्यों, सर जो योगी जी काम कर रहे हैं, हाँ। पूरे यूपी के अंदर कहीं भी लड़ाई दंगे की खबर नहीं आई, यूपीए की जब सरकार थी वहाँ पे उनका मुख्यमंत्री होता था, आए दिन कभी बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ है, कभी कानपुर में लगा हुआ है, लखनऊ है, कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं हुआ, इंसानियत की और धर्म की लहर बह रही है, हाँ। कोई भेदभाव कुछ नहीं है, ये सिर्फ नेताओं का करा हुआ काम है, वो उन्होंने इनकी राजनीति जो थी ना धर्म की राजनीति, वो जो लड़वानी लड़ जाती वो उन्होंने खत्म कर दी, योगी जी ने उन्होंने सबको बराबर का अधिकार दिला दिया, वही काम मोदी जी कर रहे हैं, आएंगे बा भाई यूपी में और पीएम महाराज मोदी जी बनेंगे जी। अगर राहुल गांधी वर्सेस सीएम योगी तो है, राहुल गांधी वर्सेस सीएम योगी नहीं, एक्चुअली में क्या, राहुल जी युवराज के बेटे हैं, वो जमीनी हकीकत से नहीं जुड़े हुए जी, जमीनी हकीकत क्या, हाँ जमीनी हकीकत उन्हें पता ही नहीं है अच्छा नहीं पता नहीं, अरे अभी तो पूरा घूम कर आए सर, वो एक्चुअली में हर पार्टी है ना अपना लुभावने भाषण देती है, वादे करती है, इन्होंने अपना वो लेके चल दिए पद यात्रा लेके चल दिए, पद यात्रा वो से यात्रा सर कोई कुछ नहीं है सर, सर एक किसी को जोड़ रहे हो, पहले भी यहाँ अच्छी राजनीति की सर, यहाँ महात्मा गांधी ने बड़ी जीत हासिल करी, महात्मा गांधी ने करी थी ना, वो भारत जोड़ने की यात्रा थी, अभी अरे सर ये जो कर रहे हैं भारत जोड़ने की, भारत टूटा कहाँ है, भारत तो एक हो गया मोदी जी का बात तो, अच्छा एक हो गया, हाँ ये तो कह रहे नफरत फैलाई है बीजेपी ने सर, नफरत की दुकान में उनका वोट बैंक खत्म हो गया, आज की डेट में मुस्लिम जो आबादी है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको मोदी पे इतना विश्वास है, आपको बताऊं देवबंद जगह पड़ती है सहारनपुर के अंदर, जहाँ पे 90% जो है मुस्लिम आबादी रहती है, वहाँ से सदाना जगह सीट पड़ती है, वहाँ से संगी सोम जीता, जो बीजेपी का सांसद था वो जीता, अगर वहाँ पे अगर उसको वहाँ पे मुस्लिम के खिलाफ होती बीजेपी, तो वो वहाँ से संगी सोम नहीं जीतता, उनको जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ना, अब कट्टरपन नहीं है, वो 2% 5% लोग हैं, बाकी जितने लोग हैं पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, लेडीज़ हैं, उनको 3 तलाक से उनको मुक्ति मिली,
ठीक है, खुश है, खुश है यूपी की जनता, मुस्लिम हो हिंदू सब बिल्कुल सब खुश है। बस थोड़ा सा जातिवाद का जहर है इसलिए खत्म हो जाए तो हमारा देश बहुत बड़ा स्वर्ग है, इससे बढ़िया कोई देश ही नहीं है भाई साहब। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात की सर।